सो गाइस, खाली से पिच स्क्रीन पे आते हुए पोको एक्स टू धमाल मचाते हुए और इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। और जो मेरे कैमरा तो नहीं है गाइस, मोबाइल का कैमरा है नॉर्मल, तो आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो हाई डेफिनेशन पे देखने को मिलता है, बाकी यूट्यूब चैनल पे तो आपको साइड से इस तरह का लोगो देखने को मिल जाता है। पोको एक्स टू रियलिटी फ्लो 120Hz आपको पैक में दिखा देता हूँ गाइस, 6.67 की आपको देखने को मिल जाती है। और इसके साथ 64MP का आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, डुअल कैमरा फ्रंट में, और 730G आपको अंदर और 30W का चार्जर। तो गाइस सब चीज़ बता दूंगा पहले ही, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो पहले ही आपको साइड में बैक में दिखा देता हूँ क्या है। 864 गाइस है ये जो वेरियंट है मेरे पास 64 है, क्योंकि खरीद तो मैं सकता नहीं गाइस, पहले से ही बोला था दूसरे का मोबाइल रहता है, मेरे तो रहते नहीं है। अभी से ओपन कर लेते हैं गाइस, मज़ा आ रहा है गाइस ओपन करने में भी। कुछ भी कहूँ यहाँ से एक बार ओपन कर चुका हूँ मैं इसको। सो गाइस अभी ओपन हो रहा है, तो बिल तो गया गाइस, बिल साइड में हो गया था। इसको ओपन पहले ही कर लिया गया था, क्योंकि इसको देखना पड़ता कहीं पत्थर भर के तो नहीं भेज रहे हैं कुरियर वाले, तो उनके सामने खोलना पड़ता है एक पहली बार। और ये आपको दिखा देता हूँ ऊपर क्या देखने को मिलता है। ये हो गया सिलिकॉन केस कवर, और ये हो गया इसकी ब्रांडिंग, और आपको गाइड बुक देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और क्या है गाइस वो भी खोल के देखते हैं। यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल, क्योंकि हमेशा ऐसे ही रहती है शाओमी के मोबाइल में, आपको पोको में भी इस तरह की देखने को मिलती है गाइस। और इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप सिम भी डाल के देखेंगे थोड़ी देर बाद, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो गाइस ये है कवर, ये एक तरह से बोलूँ तो गाइस अच्छा ही है। ये साइड में ये सेंसर के लिए दिया गया गाइस, ये कवर इस तरह का है। और गाइस ये है मोबाइल, तो इसको साइड में रखूँगा सबसे पहले, तो जिस तरह की चलता है उसको साइड में रखते हैं गाइस पोको को। और अंदर और क्या देखने को मिलता है हमें बॉक्स में वो देख लेते हैं गाइस। तो ये हो गया साइड में, और ये है टाइप सी केबल गाइस, टाइप सी केबल, क्योंकि हर मोबाइल में अब जो फ्लैगशिप जो मोबाइल है उसमें देखने को मिलेगा ही गाइस। और इसी के साथ ये आपको जो चार्जर देखने को मिलता है गाइस, 27W का आपको चार्जर देखने को मिलता है गाइस इसमें। देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा 27W दिख रहा है गाइस। सो गाइस ये चार्जर आपको 27W का आपको देखने को मिले। सो गाइस सबको साइड करते हैं इस तरह से, और खाली करते हैं फिर स्क्रीन पूरी जितनी भी अपनी है। अब हमारे पास है पोको एक्स टू, इसे ओपन करने का जो फीलिंग आई है ना गाइस, अब मज़ा आएगा थोड़ा। जो बंदा है जिसका है उसको भी ओपन करने का फीलिंग आया, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से खींचूँगा इसको इस तरह से। मुझे लगता है अब डायरेक्ट ही ओपन करना ही पड़ेगा गाइस इस तरह से। ये पहली बार ओपन हो रहा है गाइस, एक लाइक तो बनना चाहिए। ये देखिए गाइस सी यू गाइस, डबल कैमरा यहाँ पे। ये इधर आपको देखने को मिल जाता है IR रिमोट ब्लास्टर, इतनी छोटी में आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। ये स्पीकर है सामने फ्रंट का, बैक में आप देख सकते हैं, लुक देखिए गाइस। ये मेरे पास है एटलांटिस ब्लू, देखिए गाइस आपको इसमें 64MP क्वाड कैमरा सेटअप है। आपको बैक में आपको ये देखने को जो मिलता है ग्लास देखने को मिलता है, ग्लास इस क्लास गाइस। और आपको यहाँ पे बैक में आपको ये टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, हेडफोन जैक में आपको इसमें देखने को मिलता है। ये स्पीकर हो गया गाइस, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है साइड से। आपको यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल, सिम वो डालने का ये रहता है गाइस। और यहाँ पे आपको ये जो है साइड फिंगरप्रिंट सा, ये देखिए इस तरह से देखने को मिलता है इस तरह का। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बटन देखने को मिल जाती है। अब इसे हम चालू कर लेते हैं, तो गाइस अनबॉक्सिंग तो देख चुके हैं आप इसके किस तरह से ये खुला है। अब इसको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो गाइस ये जो मोबाइल है बैक से आप देख सकते हैं इस तरह से, तो आपको ये चमकता बीच का देखिए गाइस, ये बीच का भी आपका ये गाइस, ये भी अलग है डिज़ाइन और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है डिज़ाइन। दूसरे मोबाइल से कंपेयर करें तो आपको अच्छा ही देखने को मिलता है। और इसी के साथ फ्रंट की बात करूँ तो आपको दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं, और ऑन करके दिखाता हूँ गाइस इस तरह का। और जब इसे इतनी फास्ट ओपन होता है गाइस फिंगरप्रिंट, ये देखिए। और इसके साथ बात करता हूँ मैं
कि आपको जो फिंगरप्रिंट है लगता है 0.2 कुछ सेकंड में हो जाता है गैस ओपन। और इसी के साथ बात करता हूँ इसमें आपको जो पबजी एक्सपीरियंस है वो किस तरह से बेटर होगा। तो आपको इसमें 120Hz की आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो अभी पबजी आप जब भी खेलेंगे ना गैस नॉर्मल आपका जो माइल होता है तो उसमें 60Hz में, तो आपको उससे यदि आपके 5 के लाते हैं ना ईवो राउंड खेलते होंगे आप पबजी माइल में, तो आपको इसमें 10 आएंगे। तो गैस इस तरह से है, यानी आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस वो भी आपको महंगा बड़ा देखने को मिलेगा। और जो आप यदि मोबाइल खरीद रहे हैं अंडर 20,000 तो आपके 17,000 में बेस्ट स्मार्टफोन है गाइस। मैं खुद क्योंकि 2 दिन चला के देख रहा हूँ, और अब देने हैं किसी को दूसरे का मोबाइल तो गाइस उसको देंगे अभी। और आपको जो कैमरा है उसको आपको दिखा दूँगा गाइस किस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो और इसी के साथ गाइस मैंने इसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देखा तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है गाइस। जो उसका वीडियो यदि बैक से करके देखूँ तो आपको स्टेबल देखने को, सामने भी आपको स्टेबल देखने को मिलता है, मगर गैस जो बैक का है जो स्टेबलाइजेशन बहुत ही तगड़ा दिया गया गैस। और जिसमें कैमरा फ्रंट में 20+2 का आपको देखने को मिलता है, 2 MP का आपको इसमें पोर्ट्रेट दिया गया है, क्योंकि आपकी जो फोटो गैस वो थोड़ी ब्लरी और एक नंबर आने वाली है पीछे, क्योंकि आपको बैक में ही देखने को मिलता है पोर्ट्रेट लेंस 2 MP का देखने को मिलता है बैक में। तो गैस बहुत ही अच्छी फोटो आती है पोर्ट्रेट लेंस से, तो आपको सामने फ्रंट में भी आपको जो सेल्फी है बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। और जो गैस ये जो मोबाइल है ना, हीट की बात कर लेता हूँ तो गैस थोड़ा बहुत तो हीट होता ही गैस इसमें, जब मैं चार्ज कर रहा था तो गैस तो हीट हुआ था मोबाइल थोड़ा सा, तो हीट होता है गैस, और चलाता हूँ अपने मोबाइल ज़्यादा तो हीट देखने को मिलता है। और इसकी जो ब्राइटनेस है गैस नॉर्मल मोबाइल से बहुत ज़्यादा सही है, देख सकते हैं गैस इतना तो मैंने मोबाइल में देखा था रेडमी नोट 7 प्रो में, इतना फुल करने पर इसमें आपको फुल करने पर बहुत ही अच्छी, और जो इसके आपको कलर्स देखने को मिलते हैं बहुत ही ऑप्टिमाइज देखने को मिलते हैं, यानी अच्छे देखने को मिलते हैं गैस। और इसी के साथ बात करते हैं इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलती है 4500 mAh की, और जो इसका चार्जर है गैस चार्जर तो देख ही चुके होंगे 27W का चार्जर है गैस। और जो मोबाइल है मैंने चार्ज करके देखा तो 1 घंटे 10 मिनट के लगभग ये मोबाइल फुल चार्ज कर देता गैस 0 से 0 to 100%, तो बहुत ही फास्ट देखने को मिलता है। और गैस ये था पोको X2 के बारे में थोड़ी बहुत फीचर्स, बाकी तो जो इसका फुल स्पेसिफिकेशन है गाइस मैंने बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो उसकी आपको एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं इसके बाद। और जो मोबाइल है गाइस इसकी बात करूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, और जाके देखिए पहले तो वीडियो।